हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल कॉरिडोर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम काफ़ी चर्चा में विषय बन चुका है। जिस तरीके से ये स्कैम को अंजाम दिया गया, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं वो स्टॉक मार्केट में, पंजाब नेशनल के स्टॉक में भी पड़े हैं और बहुत सारे इन्वेस्टरों को नुकसान हुआ है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स में पंजाब नेशनल बैंक का स्टेक लिया हुआ गया था, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज हम जानते हैं कि क्या इस नुकसान से बचा जा सकता था, क्या टेक्निकली या टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक्स को पहले से जज किया जा सकता था कि इसमें इन्वेस्ट ना किया जाए या इसमें से बाहर निकला जाए। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ टेक्निकल एनालिसिस के एग्जांपल्स शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, ये एक पैटर्न है, वुल्फ वेव। वुलवे पैटर्न जनरली 95% एक्यूरेसी रखता है। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बनता है। बाजार में जैसे जैसे टॉप बनते चले जाते हैं और उन टॉप्स के बेस पे हमें कॉन्जिक्यूटिव तीन टॉप्स को पकड़ना होता है और उन तीन टॉप्स के थ्रू हम काउंटिंग शुरू करते हैं। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, 5 नंबर पे एक टॉप है, ये मैक्सिमम टॉप है, अभी का करंट टॉप है। इस टॉप पे हमने 5 नंबर दिया, इससे पहले एक बॉटम है जिसको हमने 4 दिया, उससे पहले एक और टॉप है जो पिछले करंट टॉप से नीचे है, इसको हम 3 नंबर दे रहे हैं, और नीचे एक बॉटम है जिसको 2 नंबर दिया, और 3 से भी नीचे एक और टॉप है जिसको हम 1 नंबर दे रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तीन लगातार टॉप बने हैं जो कि एक के बाद एक ऊपर बना है, और तीनों टॉप्स के बनने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये बुल वेव है और ये किस तरीके से वर्क करता है। इसको जानने के लिए हम आज पीएनबी के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक का ये वीकली चार्ट है जो आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिकैपिटलाइजेशन, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने रिकैपिटलाइजेशन करी थी बैंकिंग इंडस्ट्री की, तो उस समय का समय अगर मैं आप लोगों के साथ बताऊं तो 25 अक्टूबर के आसपास 2017 में ये रिकैपिटलाइजेशन हुआ था, और इस रिकैपिटलाइजेशन के थ्रू बैंकिंग्स को, एनपीएस को रोकने के या कम करने के लिए जो फंडिंग दी गई थी, उस फंडिंग के थ्रू मार्केट में ये उछाल आया था, जो कि पीएनबी में भी आपको खासा नज़र आया है। पीएनबी का मूवमेंट्स अच्छा खासा मूव हुआ था और 230 के आसपास पीएनबी उस समय हाई लगा चुका है। इस टॉप को ही हमने मैक्सिमम टॉप माना है, लेटेस्ट टॉप माना है, और इस लेटेस्ट टॉप को हम 5 नंबर दे सकते हैं, और इससे पहले भी एक टॉप लग चुका है जिसको हम 3 नंबर दे सकते हैं, इससे पहले हम एक और टॉप देख रहे हैं जिसको हम 1 नंबर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम वुल वेव की काउंटिंग वर्कआउट कर सकते हैं, जो पैटर्न्स में आपको नज़र आ रही है। मैं आपके साथ पैटर्न को दोबारा शेयर करता हूँ। देखिए, 5, 4, 3, 2 और 1 ये आपके सामने है, ठीक है। इसको हम छोटी स्क्रीन में सामने ही रखते हैं जिससे कि आपको अंदाज़ा लगे कि किस तरीके से पैटर्न को शेप देना है। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रहा हूँ। इस तरीके से मैंने 5, 4, 3, 2 और 1 नंबर दिया, जस्ट लाइक आप इस पिक्चर में देखिए, 5, 4, 3, 2 और 1 नंबर दिया गया है। अब मुझे 1 और 3 को एक ट्रेंड लाइन से मिलाना है,
एक और तीन को मैं एक ट्रेंड लाइन से मिलाता हूँ इस तरीके से, आप दिखाई दिया, आप देख रहे हैं। और जो पांचवा नंबर वाला काउंटिंग है, जो मूवमेंट है, वो एक और तीन की ट्रेंड लाइन से ऊपर मूव करना चाहिए। ये वुल्फ वेव का रूल्स में आता है। वुल्फ वेव की सिंपल रूल्स में हमें ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि ये पांचवें नंबर वाला जो वेव है, ये वन और थ्री से जो हमने मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन खींची है, इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। इस तरीके से बाजार इसके ऊपर गया है और उसके पास जब भी बाजार वापस आके अपनी रेड कैंडल या बियरिश कैंडल इस लाइन के नीचे बनाता है, तो हमें एक इंटीमेशन मिल जाता है, एक सिग्नल मिल जाता है, जिसके थ्रू हम इस ट्रेड को शॉर्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मैंने एक लाइन और खींची है जो एक और चार को मिला रही है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, एक और चार को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींची गई है जो ब्लू कलर की है पिक्चर के अंदर। सेम ट्रेंड लाइन मैंने चार्ट के अंदर खींची है एक और चार को मिला के। ये एक्चुअल में टारगेट लाइन है। बाजार जहाँ से हम सेल पॉइंट देख रहे हैं, आप सेलिंग पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये मैंने सेलिंग पॉइंट लगाया है जहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुई है। 190 के आसपास हमें सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी थ्रू द टेक्निकल चार्ट, और 110 के आसपास का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ड्यू टू द वुल्फ वेव। जिस तरीके से आपको ये वुल्फ वेव की पिक्चर नज़र आ रही है, 5 इसमें ऊपर होना ज़रूरी होता है और 5 नीचे आने के बाद जब कैंडल अपनी क्लोज करती है 103 के नीचे, तो हम अपना शॉर्ट सेल का ट्रेड स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको एंट्री पॉइंट मिल जाता है और उसके बाद आपको वेट करना होता है अपने टारगेट पॉइंट के लिए, जो कि 110 के आसपास है, जो आप देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर लगा चुका है। इस तरीके से वुल्फ वेव कहीं पे भी वर्कआउट कर सकता है, किसी भी चार्ट में वर्कआउट कर सकता है। आपको सिर्फ इसको स्केच करना और ढूंढना आना चाहिए। आपको रिफाइनली टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही आप इसको ढूंढ सकते हैं। मैं आपको इस तरीके के कुछ और केसेस भी शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये लगे या ये विश्वास हो कि टेक्निकल ऑलवेज वर्क बिफोर द न्यूज़ एंड इवेंट्स। कोई भी न्यूज़ आए, कोई भी इवेंट आए, आप जैसे जानते हैं कि 2 तारीख या 3 तारीख के आसपास न्यूज़ वर्कआउट हुई PNB की, लेकिन उससे पहले ही हमें इन्फॉर्मेशन टेक्निकल चार्ट के थ्रू मिली देर इज़ अ बैड न्यूज़ ड्यू टू द वुल्फ वेव पैटर्न। दिस इज़ अ बियरिश वुल्फ वेव पैटर्न। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में भी लिखा है वुल्फ वेव बियरिश, जिसका मतलब है कि बाजार डाउन जाएगा और ये छठा नंबर अपने एक और चार को मिलाने वाले ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, जिसको अभी इसने टेस्ट किया है। ठीक है, इसी तरीके के कुछ और पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो उछाल आया था वो रिकैपिटलाइजेशन की वजह से आया था 25 अक्टूबर 2017 में। उसी समय आप अगर देखें तो स्टेट बैंक में भी वो उछाल देखा गया। इंडिया का लार्जेस्ट बैंक, फर्स्ट लार्जेस्ट बैंक कह सकते हो, और वहाँ पे भी अगर हम नज़र डालें तो 5 यानी कि एक उछाल जो पांचवा नंबर का बना, जिसको हम 5th वेव मान रहे हैं, वो रिकैपिटलाइजेशन के टाइम पे ही बना, उसी वीक में बना, तो उसको हमने 5 नंबर दिया। उससे पहले 4, फिर उससे पहले आप देखेंगे तो 3, 2, 1 और 0, और उसको मैंने इस तरीके से नंबर्स वर्कआउट करे हैं 5, 4, 3, 2, 1 और 0, जिसमें मैंने 1 और 3 को ऐड किया एक ट्रेंड लाइन के थ्रू। इसमें आप देख रहे हैं 5 का जो शेडो है, यानी कि 5th वेव का जो शेडो है, वो ऊपर गया है लेकिन सस्टेन नहीं हुआ बाजार, और जैसे ही रेड कैंडल बनी, वो रेड कैंडल मेरा एंट्री पॉइंट है। एट द टाइम ऑफ 3:30 मेरी सेल स्टार्ट हो जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उसका जो टारगेट है वो एक और चार को मिलाने वाली ट्रेंड लाइन है, जिसको टेस्टिंग करने में अभी बाजार वर्कआउट कर रहा है। 272 पे बाजार अभी चल रहा है स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप देख सकते हैं करीबन 225 के आसपास का टारगेट है जो वुल्फ वेव अपना वर्कआउट करेगा। इसी तरीके से ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके का एक वुल्फ वेव पैटर्न बना हुआ है। इस वुल्फ वेव पैटर्न में भी लेटेस्ट टॉप पे अगर आप नज़र डालें तो इसको 5 नंबर दीजिए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1
और ज़ीरो, इसी को मैंने नंबर्स दिए तो इस तरीके की पिक्चर्स आपके सामने आती है। इस पिक्चर्स में अगर आप देखते हैं, ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ कि ये फाइव नंबर है, दिस इज़ द फोर, दिस इज़ द थ्री, दिस इज़ अ टू, दिस इज़ अ वन। ठीक है, हम इसको इस तरीके से स्केच करते हैं। और बैंक निफ्टी में भी वुल वेब बनने की वजह से वन और थ्री को हमने मिलाया एक ट्रेंड लाइन से, फाइव नंबर उस वन और थ्री के ट्रेंड लाइन से अब ट्रेड करने लगा और ट्रेड करने के बाद एक रेड कैंडल बनी, वीकली क्लोजिंग इसके नीचे आई। अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखें तो 26,500 के आसपास बैंक निफ्टी में सेल्स वर्कआउट हो चुकी थी थ्रू द वुल वेव। और वन और फोर को हमने मिलाया है फॉर द एक्सपेक्टेड टारगेट कैलकुलेट करने के लिए, जो कि 23,000 के आसपास हमें भी दिख रहा है, 23,400 से लेकर 23,000 के आसपास हमें बैंक निफ्टी देखी जा सकती है आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। ये वुल वेव का ही कमाल है जो कि हमें इतनी पहले एनालिसिस के थ्रू ये कन्फर्म हो सकता है कि बाज़ार में कब सेल आनी है, कब बाय आनी है। इस तरीके के तमाम पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में बनते हैं और टेक्निकल ऑलवेज वर्क करता है बिफोर द न्यूज़। आपको सिर्फ उसको फॉलो करना आना चाहिए और आपको सही नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज के लिए हम लोग अपनी वीडियो वर्कआउट करते रहेंगे। मैं केशव कुमार फ्रॉम फाइनेंशियल कॉरिडोर, थैंक यू।